जब भी अल्लाह के जमीन पे किसी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया। तो वैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कौम कब्तो अमालिक से जो मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम वलीद बिन मसअब बिन रियाम था, जिसको पूरी दुनिया फिरौन के नाम से याद करती है, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था, उनसे सख्त मजदूरियां और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था उसको कत्ल कर देता था। तभी अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, फिरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पे जुल्म ना करे, वरना अल्लाह का अजाब उनको ले डूबेगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फिरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। तो बस अल्लाह अपनी निशानियाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हजरत मूसा के मौजजात को देख के हैरान होता गया। कुछ ईमान ले आए और कुछ फिरौन से सवालात करने लगे। बिलाखिर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मौजजात को देख के इस बात तक आ पहुंचा कि आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया कि ऐ मूसा, रात में अपनी कौम को लेके इस शहर से निकल जा। तो यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेके वहाँ से जाने लगे। इस बात का इल्म जब फिरौन को हुआ तो वो गजबनाक होके कहने लगा, कुछ भी हो जाए मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा। वो अपने जाहो जलाल के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। बस आगे आगे अल्लाह का नबी मूसा अपनी कौम के साथ और पीछे पीछे फिरौन का लश्कर उनको मारने के लिए आता रहा। बिलाखिर बनी इसराइल दरिया तक पहुंचे और फिरौन का लश्कर पीछा करते करते उनको देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फिरौन के लश्कर को देखा तो हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा, तूने हमें कहां फंसा दिया? अब पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरिया है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि फिरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगे, ऐ मूसा, अब हम आगे जाएंगे कैसे? बस इतनी देर में आवाज़ें गायब आई, ऐ मूसा, अपनी असा इस दरिया में दे मार। तो बस जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दरिया में दे मारी तो आधा पानी इस तरफ आधा पानी उस तरफ, अल्लाह ने बीच में रास्ते को वाजह कर दिया। तो बनी इसराइल के कुछ कबाइल के लोग कहने लगे, ऐ मूसा, हम आपस में बनते नहीं, अपने खुदा को कह कि हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाए। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिया में 12 जगहों पे असा मारी और 12 अलग अलग रास्ते बने और वो 12 कबाइल अलग अलग होकर दरियाए नील से जाने लगे। जैसे ही ये मंजर फिरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी उन रस्तों पर हजरत मूसा और उसकी कौम के पीछे आ गए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया के उस तरफ पहुंचे और दरिया के बीचों बीच फिरौन और उसका लश्कर मौजूद था तो अल्लाह ने पानी को फिर से हुक्म दिया, अब वैसे हो जा जैसे पहले था। तो बस वो पानी फिर से मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर डूब के मरने लगा। ये पूरा मंजर हजरत मूसा और उसकी कौम देख रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और इतनी देर में फिरौन चीख के कहने लगा, मैं भी मूसा और हारून के अल्लाह को तस्लीम करता हूँ, मैं भी ईमान लाता हूँ कि मूसा का अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। इतनी देर में आवाज़ें गायब आती है कि ऐ फिरौन, अब ईमान लाता है जब तू दोज़ख की दहलीज तक पहुँचा है। ऐ फिरौन, हम तेरे तकब्बुर और तेरी लाश को आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बनाएंगे ताकि हर इंसान ये जान ले कि जमीन पे इंसान को तकब्बुर रास नहीं आता। आज भी अल्लाह ने फिरौन की लाश को निशाने इबरत बना के रखा है। बेशक जिस इंसान ने तकब्बुर किया, इंसानों पे जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर होकर दोज़ख तक पहुंच जाता है।